प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक मजेदार और कॉमेडी से भरा हुआ पब्लिक रिएक्शन लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान भारत के बाप से भी तरक्की में आगे निकल जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हम देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है शोएब चौधरी को, जो कि पाकिस्तान के जबरदस्त पत्रकार है और भारत में काफी ज्यादा उनको पसंद किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। कल उन्होंने बोला कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला, तो हम हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हम उनमें उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है, बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों भी आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं, इस कुर्सी के ऊपर उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते की भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर पॉवर्टी लाइन में। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखिए, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं, हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है, पे तो बहुत ज्यादा वायरल है कि उन्होंने कायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान, तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि ये अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज में इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजोल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजोल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इसमें हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं। सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखें, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं, हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉवर्टी को दोनों कंट्रीज को साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन में हम समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है
कि इंडिया हमसे इस जमन में नीचे है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे यानी कि आपके ख्याल से गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पे कम है? यहाँ गुर्बत कम। अच्छा, ये आप मतलब नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप मतलब इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोग गुर्बत की शरह से नीचे, इस हिसाब से बात कर रहे हैं या ये? तो वहाँ पे नहीं, नहीं वहाँ पे फिर आबादी भी तो 1 अरब 40 करोड़ है ना, यहाँ पे टोटल 25 करोड़ आबादी है, फिर वो देखेंगे तो फिर एवरेज की बात करें ना। चले हम लोग अगर एवरेज की भी बात कर लेते हैं, आपकी तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, कि इंडिया ने अपनी जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उसको कंट्रोल कर लिया, चले हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन पे ना रहिएगा, आप भी और देखने वाले भी, कोई भी चीज है एक मिनट लगता है गूगल से चेक हो जाती है, आप बेशक अभी चेक कर लेंगे, वहाँ पे IMF की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंडिया में 0.1 या 2-3% रह चुकी है। ठीक है, देखें डेटा को किसी भी तरह से, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, किस कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि हमारी किसी किस्म की नेगेटिव पिक्चर दुनिया के सामने, ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी इस वक्त इस पीक पे है कि किसी भी लेवल पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, डेटा मैनिपुलेशन भी मौजूद है, ये फैक्टर्स भी हैं। आपके ख्याल से ये जो डेटा एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी का, ये मैनिपुलेट किया गया होगा? मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा आगे, तो वो हम भी मैनिपुलेट डेटा ये कर दे, और ये जो पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि बैंकरप्ट होने के नजदीक है, ये मैनिपुलेट करके डेटा ये कह दे कि नहीं जी पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये किया जाता है कि पाकिस्तान में गुर्बत तेजी से बढ़ती जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, वो भी डेटा मैनिपुलेट करके हम ये दुनिया को शो करवा दें। लेकिन सर बात ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई डेटा मैनिपुलेट किया जाता ना, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट में मैनिपुलेट किया जाता, ठीक है। आज तक कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात इस डेटा की मैनिपुलेशन जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है, ना कि अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे ना। अगर वो अपनी कंट्री के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रही है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इधर एक चीज मैं फिर से, मतलब डेफिनेटली ये मेरी बात शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं हमें या किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, इंडिया से मुकाबला क्यों करते हो, मेरा उनसे ये सवाल है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया से आगे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया के बाप से भी आगे निकलेंगे, जब हम यही चीज तो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, आगे निकल जाओ, इंडिया इकोनॉमी में आगे है, आओ मेहनत करें, उनसे आगे निकल जाए, इंडिया की इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो सबके सामने, ये चीजें हम तो आपको बता रहे हैं, हम आपका फायदा या पाकिस्तान का या हमारा अपना फायदा चाह रहे हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंडिया से आगे निकलना है और हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया इन इन चीजों में आगे है। देखिए आप पॉइंट्स को फोकस करें, अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो अपने लोगों में ये शौर उजागर करें कि वो ना कि अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करने के पीछे चले जाएं, ठीक है, वो फोकस करें। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे स्टांस ले लेती है कि हम लोगों को एजुकेशन, टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम नंबर सेकंड थिंग इज हम उनको हेल्थ केयर इश्यूज उनके जितने भी है वो रिजॉल्व करेंगे, हम उनको ब्रेड एंड बटर की तरफ से रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि वो टेक्नोलॉजी हेल्थ की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि मैं एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, एक मिडिल क्लास बंदा जो एक अच्छी कंपनी में किसी IT डिपार्टमेंट में, या मैं अगर खुद अपना एक खुद साख्ता बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे करूँ या मैं कोई नई इनोवेशन की तरफ तवज्जो करूँ? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट से बजाय बेहतर ये ना होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हो गए ये कहते हैं कि हम अपने नेबर कंट्री से इंडिया के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, या मतलब किसी भी फील्ड में हम मिलके काम करेंगे, यूरोप देख लें उनके दरमियान जंगे हो चुकी हैं, आज वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मिलके वो हमारा ना, जब से पाकिस्तान बना हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की, तो हमारा सबसे पहले तो वो जो नजरिया था ना, दो कौमी नजरिया, हम उसी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का जो दो कौमी नजरिया था, हम उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप उस तरफ ना जाएं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ या मिसाल देता हूँ आपको। दुबई ने पाकिस्तानियों की, मैं शायद अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको बाद में जी आप बात करें, देखने वाले भी इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। दुबई आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं कर रहा ना बिजनेस लेवल पे,
ठीक है, ना ही उसको उस पे जो है वो किसी एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, ना ही अपने जो उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें, ठीक है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तानियों ने उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बहुत काम किया, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत काम किया है। लेकिन अब अगर मैं यही आगे से, और ये चीज आपकी काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, ये खबर मेरे तक भी पहुंची है, और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें बकायदा तौर पर बैन कर दिया गया है कि भाई इस शहर का पाकिस्तानी दुबई नहीं जा सकता, यूएई नहीं जा सकता, और उसकी वजह क्या है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या वजह है, यानी कि वो भी किसी और के कहने पे ऐसा करते हैं। सर उसकी रीजन ये है कि जिन हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान की इज्जत बनानी थी, ठीक है, वो हुक्मरान इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, उसकी एक रीजन मैं चलें आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी रीजन ये है कि जब कोई पाकिस्तानी, मैं जाता हूँ दुबई, मैं जाता हूँ यूएई या किसी भी दूसरे कंट्री में जाता हूँ, वहां पे जाके जब दो नंबरी करूंगा, वहां पे जाके जब फ्रॉड करूंगा, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो ये प्रेफर करेंगे कि किसी भी स्मगलिंग करूंगा, किसी मतलब इस तरीके से किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होऊंगा, तो क्या वो चाहेंगे कि दोबारा कोई पाकिस्तानी आए? ये हम हर चीज गवर्नमेंट में नहीं डाल रहे, मैं गवर्नमेंट को एक तरफ रख देता हूँ। हमारे हुक्मरान हम में से हैं। हाँ, ऐसे ही है, जो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। ठीक है, ठीक है। अक्सर तो ये मिसाल दी जाती है ना कि जैसे हुक्मरान वैसी रियाया, हाँ, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को निगेट इस हिसाब से करता हूँ कि आप ये देखें कि वो हुक्मरान भी हम में से निकल के गए हैं, हम ही में ये चीजें थी जो आगे जाके उस लेवल पे उनमें भी कन्वर्ट। अच्छा, दूसरे कंट्रीज को क्यों प्रेफर किया जाता है, इंडियंस को अगर प्रेफर किया जाता है दुबई में या दूसरे कंट्रीज में, क्या वजह उसकी? तो सिर्फ वो अपने काम के साथ लॉयल है ना, हम तो अर्डर आम है, सॉरी टू से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम या आप या हमारे मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम हर्ड हराम है और वो लॉयल है अपने कंट्री के साथ, अपने काम के साथ, ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब पूरा होगा कि हम इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएंगे? सर इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है ये एक अच्छी चीज है। स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, नहीं, आगे निकलना अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरीके से बोला वो अच्छी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से बोला वो तो आप ही ये बेहतर समझते हैं कि अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हम उनमें उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है, बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी, यूएई की एग्जांपल आपको क्यों दी? ठीक है, ठीक है, क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम यूएई, सऊदी अरेबिया और जो बाकी जो टर्की जो बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, टर्की का भी यही हाल है, आने वाले वक्तों में टर्की हमें बैन करने वाला है। अच्छा, ठीक है, उसकी भी रीजन यही है कि हम पाकिस्तानी वहां जाके फ्रॉड करते हैं, ऐसा के मामला करते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों में सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पाकिस्तानी ने फ्रॉड किया तो सारे पाकिस्तान ने दुनिया को सुपर हीरोज भी दिए हैं, जैसा कि अच्छे साइंटिस्ट भी दिए हैं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम का हम नाम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो हम अपना हीरो हम नहीं मानते तो दुनिया। सर मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि हम एक्नॉलेज करें तो सही, जब हमें इल्म ही नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या किया, जब हमें पता ही नहीं है, नोबेल प्राइज उन्हें मिल चुका है, विन किया ना उन्होंने नोबेल प्राइज, ठीक है, जब हम इसको मानेंगे ही नहीं, हमें अपना हीरो ही नहीं मानेंगे, हम ये कह देंगे ये तो पाकिस्तान इल्म नहीं है ना, हमें इल्म भी नहीं है तो हम उन्हें मानेंगे कैसे? ठीक हो गया दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग लगी होगी, और आपने देखा कि क्या पाकिस्तानी पब्लिक सोचती है खुद के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो दावे हैं उसके बारे में। वेल, मैं पाकिस्तान की क्या ही बात करूं, वो भिखारिस्तान जो खुद IMF से भीख मांगने के लिए कटोरा लेके हाथ में खड़ा है, दूसरी ओर पाकिस्तानी जनता आटे की लाइन में खड़ी है, और पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हैं कि पाकिस्तान में लोग अपने बच्चे बेचने को भी तैयार हैं दो वक्त की रोटी खाने के लिए, और वो पाकिस्तान जहां पे 30 से 40 रुपए का एक नान मिलता है, वो पाकिस्तान जो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसका बच्चा पैदा होते ही लाखों रुपए के कर्जे के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, वो भारत क्या, भारत के बाप को हराएगा तरक्की में? वेल, वो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखने में क्या जाता है। बाकी ठीक है, पाकिस्तान का भी हक है सपने देखने का, गरीब आदमी सपने तो देख ही सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।